तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ एक पॉजिटिव साइड की। जो अभी COVID-19 पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, एक पेंडेमिक है, इससे जितनी ज़्यादा डेथ हो रही है इतनी ज़्यादा, तो इसी के मैं एक पॉजिटिव साइड के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। मैं जानता हूँ नेगेटिव साइड जो है आपको काफ़ी सारी वीडियोज से, इंफॉर्मेशन से, हर जगह से आपको मिल रही है, और ये बहुत ही मुश्किल घड़ी है हम सबके लिए ही, पूरे वर्ल्ड के लिए ही। इतनी ज़्यादा इससे डेथ्स हो रही है, इतना ज़्यादा कंटेजियस डिसीज़ है ये COVID-19 जो है, कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। मैं जानता हूँ इससे, बट हमें, हम सबको इससे गुजरना है। ये एक मोमेंट ऑफ लाइफ हो गया हम सबके लिए। हम सभी लॉकडाउन हैं, जैसे मैं इंडिया से हूँ, दिल्ली से, हम सब लॉकडाउन हैं। ऐसी वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा, हर ज़्यादातर कंट्रीज लॉकडाउन हो रही है धीरे धीरे इस वायरस को लेके। तो हमें इस फेज से गुजरना है, तो क्यों ना नेगेटिव छोड़ के हम थोड़ी सी, मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको पॉजिटिव साइड के बारे में एक कुछ डिस्कशन करूँगा। क्योंकि हमें गुजरना है, चाहे तो वो पल हम हंस के भी गुजार सकते हैं, चाहे तो परेशान होके भी। तो मैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या इसके जो हमारे फैक्टर्स हैं, क्या क्या अफेक्ट करेंगे, और क्या क्या इसकी एक पॉजिटिव साइड हो सकती है। जिस लॉकडाउन की मैं बता रहा हूँ, कोरोना वायरस की कोई पॉजिटिव साइड नहीं है। इसकी वजह से जो सिचुएशन बन गई है आज की डेट में, हम सब लॉकडाउन हैं अपने अपने घरों में इतने टाइम के लिए, ये शायद एक्सपीरियंस आप लाइफ में फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे और शायद लास्ट टाइम ही कर रहे होंगे। क्योंकि इस तरीके का लॉकडाउन घर के अंदर ही आपको इतने दिनों तक, 21 दिनों तक रहना है, या अगर एक्सटेंड भी होता है तो इससे ज़्यादा दिनों तक रहना है, घर के अंदर ही आपको बंद रहना है। तो ये एक्सपीरियंस आपके लिए नया होगा। ज़्यादातर लोग ही इसको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे होंगे इस तरीके के एक्सपीरियंस को, अगर वो जेल नहीं गए हैं तो, मोस्ट प्रोबेबली। तो आइए हम बात करते हैं एक पॉजिटिव साइड की, एक प्रोज की, कि इसकी वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उससे क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनवायरमेंट की। आप जानते हैं लॉकडाउन की वजह से मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज, कारखाने, ये सब बंद है जो पॉल्यूशन क्रिएट करते थे सिटीज़ के अंदर मोस्टली। साथ में जो व्हीकल्स होती हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, इससे भी गाड़ियों से, बाइकों से, जितने भी तरीके के पेट्रोल और हमारे फॉसिल फ्यूल्स पे चलने वाले जितने भी मोस्टली थे, वो सारे बंद हैं। तो इनसे जो कंजप्शन है, इनसे जो कार्बन मोनोक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, जितने भी पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, वो सब बहुत डिक्रीज हो चुकी है। तो आप एयर क्वालिटी इंडेक्स भी देखेंगे तो दिल्ली का काफ़ी पहले 200-250-300 वेरी पुअर कंडीशन होती थी, वेरी बैड कंडीशन हेल्थ के लिए, उस पर इंडेक्स चलता था PM 2.5 और PM दोनों का ही आप देखेंगे तो अब उसका इंडेक्स काफ़ी हद तक सुधर चुका है, 60-70 चल रहा है। तो ये एनवायरनमेंट के फैक्टर की बात हुई। तो आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे जो एयर क्वालिटी है, अगर आप दिल्ली से हैं या किसी और कंट्री से, किसी और सिटी से भी है, किसी और स्टेट से भी है, चाहे पुणे हो, हैदराबाद, हर जगह एयर क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हुई है सिटीज़ के अंदर। तो आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे कुछ वेदर को लेके और एयर को लेके, अगर आप इन सिटीज़ में हैं तो आप खुद महसूस कर रहे होंगे एयर जो है क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। तो ये है दूसरा हम देखते हैं कि इससे और क्या इफेक्ट पड़ा है। लॉकडाउन की वजह से सब अपने अपने घरों में बंद है, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे काम कर यंगर एज हो, ओल्ड एज हो, छोटे बच्चे हो, सब लॉकडाउन है। तो एक जिनको एडिक्शंस था, जो स्मोकर्स थे, उनकी भी काफ़ी हद तक ये कम हुई होगी, एक लिमिटेशन हुई होगी। हो सकता है आपको फिर भी, इंडिया है, आपको कहीं ना कहीं जुगाड़ हो रहा हो, मिल रहा हो, फिर भी कहीं ना कहीं किसी हद तक आपकी ये हैबिट भी कम हुई होगी। इस वजह से जो आपके लंग्स के सेल है वो कुछ बचेंगे। बट हमें इन चीज़ों से कुछ सीखना है आगे के लिए, क्योंकि एक शॉर्ट पीरियड के लिए है। हमारे एनवायरनमेंट में भी जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, एनवायरनमेंट में फिर से ट्रांसपोर्ट फैक्ट्रीज चलेंगी, फिर से वही सेम हो जाएगा। ये कुछ ही टाइम के लिए और ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि इतने टाइम से हम पॉल्यूशन करते आ रहे हैं, इतने कम, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो अभी के लिए एक टेम्प्रेरी इफेक्ट क्रिएट हुआ है हमारे आसपास। पर हम इस चीज़ से क्या सीख सकते हैं, इस हमारा जो बुरा फेस चल रहा है अभी वायरस इसकी डिजीज़ की वजह से, तो हम इससे लाइफ में क्या सीख सकते हैं या क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए, आप इसको देख सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं कि हम इससे ऐसे क्या चेंजेस लाए अपनी लाइफ में कि हम भी एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, किस तरीके से आप, अगर ये इसके अगर लॉन्ग टर्म में हमारे माइंड में ऐसा कोई चेंजेस लाता है लोगों के माइंड में, तो इसका कोई फ़ायदा है। क्योंकि ये तो टेम्परेली इफेक्ट है, लॉकडाउन खुलते फिर से एनवायरनमेंट कंडीशन सेम हो जाएगी। इससे इतना कोई 5-21-20 दिन के
लॉकडाउन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा पॉल्यूशन लेवल पे, ये टेम्परेरी इफेक्ट है, जब दोबारा शुरू होगा तो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। अब दूसरे फैक्टर पे जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे जो एडिक्टेड है, स्मोकर्स है, अल्कोहलिक्स है, या फिर हार्ड ड्रग्स के से भी जो एडिक्ट्स हैं उनको भी मिलना कम बिल्कुल बंद हो चुकी होगी। हो सकता है थोड़े लोग बहुत लोगों में चेंज आ जाए इन 21 दिनों के अंदर, क्योंकि किसी भी हैबिट को बनाने के लिए या किसी को छोड़ने के लिए बुरी हैबिट को 21 डेज का एक साइंटिफिक टाइम पीरियड होता है, हमने सुना भी है। तो अगर हो सकता है काफ़ी लोगों की इससे कम हो जाए, या फिर वो इस चीज़ को महसूस कर पाए कि ये सब चीज़ें हमारी लाइफ के लिए सही नहीं है, हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो ये भी चेंजेस आ सकते हैं। ये डी एडिक्शन रिहैबिलिटेशन का काम कर सकता है ये लॉकडाउन पीरियड हमारे लिए, अगर हम चाहेंगे तो। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस साइड को कैसे लेना चाहते हैं। हम रियली तो हमको मोस्ट प्रोबेबली एल्कोहल्स की ये सब नहीं मिल रहा होगा, तो मोस्टली एक डी एडिक्शन फेज में खुद ही मोस्ट ऑफ द लोग चले गए होंगे। तो तीसरी बात करते हैं कि आप अपनी हॉबीज़ को आप टाइम दे सकते हैं, क्योंकि जैसे दिल्ली वाले हैं जो, वो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ऑफिस जाते हैं तो एक ट्रैवल टाइम भी होता है, 1.5 घंटे 1 घंटे आना जाना, वो भी टाइम होता है, ऑफिस का भी टाइम होता है। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, उसके बाद भी आप पे काफ़ी टाइम बचता है। आप अपनी हॉबीज़ को, किसी की राइटिंग होगी, रीडिंग होगी, आप अपनी हॉबीज़ को टाइम दे सकते हैं। हम बैड इफ़ेक्ट्स को गिनने की जगह हमें ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, क्या हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका हम बेस्ट यूज़ कर सकते हैं इस टाइम का, ये जो हमें टाइम मिला है। हमारी कोई भी हॉबी हो, राइटिंग हो, फिटनेस को लेके हो, हम उन हॉबीज़ के ऊपर भी इस टाइम पीरियड में काम कर सकते हैं। एक अपने आप को जानने का टाइम मिलता है जब आप इस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज करें, अपने बारे में जाने कि आपको पसंद है और किस तरीके से आप अपनी लाइफ को और बेटर तरीके से जी सकते हैं। इन सब फैक्टर्स पे अगर आप काम करेंगे, ध्यान देंगे, तो आपकी लाइफ इम्प्रूव होगी। इस लॉकडाउन पीरियड को आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, हम आपसे बात कर सकते हैं कि आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली। अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो आज की डेट में कॉरपोरेट वर्ल्ड में इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है वर्क को लेके, मोस्टली 6 डे वर्किंग भी होते हैं ऑफिस, किसी किसी के तो सिर्फ संडे ऑफ होता है, उसमें भी आधे दिन बंदा सोता है, फिर अपना डिजिटल वर्ल्ड में, फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स में बिजी हो जाता है। तो फैमिली के साथ जो एक टाइम की कमी थी, बच्चे हैं जिनके फादर मदर दोनों वर्किंग थे, आज के डेट में वो, उनको शायद बच्चों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि वो अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। एक क्वालिटी टाइम दिल्ली के अंदर भी मैं देख पा रहा हूँ, जैसे कि आप टेरेस पे जाए, छत पे जाए, तो 15 अगस्त पे हमारे मोस्ट ज़्यादातर पतंगे उड़ती है, और वो शुरू होता है फेज जून जुलाई से, बट अभी मार्च से लोगों के पास अब फ्री टाइम है, तो अपनी फैमिली के साथ मिलके वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं छतों पे। आप देखेंगे इतने ज़्यादा, आज जैसे कि मैं भी छत पे गया, आज इतने ज़्यादा लोगों, फैमिलीज़ को मैंने छत पे देखा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देखा, अपने बच्चों के साथ, अपने मेम्बर्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ पतंग उड़। आसमान में आप मानेंगे नहीं कि काफ़ी ज़्यादा पतंगे उड़ रही थी, तो मोस्ट प्रोबेबली लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपनी फैमिलीज के साथ, अच्छे तरीके से स्पेंड कर रहे हैं, एक हैप्पी मोमेंट। हम जानते हैं इससे एक इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा कंट्रीज के अंदर मोस्ट प्रोबेबली, हमारे जीडीपी के अंदर जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके अंदर भी कमी आ सकती है, बट एक अगर ग्राफ पे हम देखें तो अगर ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस की बात करें तो इसमें शायद इंक्रीज होगा इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर, कुछ ना कुछ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की वजह से, चाहे अपनी फैमिली हो, चाहे अपने रिलेटिव्स हो, अब ज़्यादा कांटेक्ट में आ पा रहे हैं फ्रेंड्स के, उसमें चाहे वो ही एक डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू ही हो या वैसे भी, तो हो सकता है डिजिटल वर्ल्ड से थोड़ा स्पेसिंग दीजिए अपने आप को। हो सकता है कुछ लोग लेट के खाली वीडियो ही देख रहे होंगे लगातार, तो उससे थोड़ा अपने आप को स्पेस दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करिए। तो ये काफ़ी अच्छा एक प्रो है, एक अब पॉजिटिव साइड हो सकती है इस लॉकडाउन पीरियड की, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे लेते हैं लाइफ के अंदर, वो आप पे मैटर करता है। इस हर किसी को इस फेज से गुजरना है, ये गवर्नमेंट ने मैंडेटरी है, एक आप नहीं निकल सकते बाहर, मैं जानता हूँ, और ये ज़रूरी भी है जिस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा है, तो इसके लिए ज़रूरी भी है। तो आप इस सिचुएशन में रोने की जगह उसको अच्छे तरीके से कैसे स्पेंड कर सकते हैं अपने टाइम को, तो उसके बारे में आप सोच सकते हैं। अपने बारे में आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं,
लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज आर देयर, बस आपको एक पॉजिटिव वे में, एक पॉजिटिव रास्ते की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे कमेंट्स में जानना चाहूँगा कि आप किस तरीके से अपना लॉकडाउन टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपनी फैमिली, या जैसे भी अपने साथी, अगर अकेले हैं तो अपने साथी, प्लीज़ कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। एंड इन द लास्ट आई वॉन्ट टू से यू थैंक्स फॉर वॉचिंग।